स्कूलों में अब लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसी ड्रेस लागू कर दी गई है। अब दोनों के कपड़ों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसे कहा जा रहा है जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म। इस कहानी की शुरुआत साल 2018 से होती है। केरल के एर्नाकुलम जिले के वलयम चिरंगरा में एक सरकारी स्कूल ने प्री प्राइमरी के करीब 200 बच्चों के लिए एक जैसी ड्रेस लागू कर दी। प्लान तो था कि एक साल बाद स्कूल के सभी बच्चों के लिए ये ड्रेस लागू कर दी जाएगी, लेकिन कोरोना की एंट्री हो गई और स्कूल बंद हो गए। अब जब स्कूल दोबारा खुले हैं तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह ड्रेस कोड सभी के लिए लागू कर दिया है। अब समझते हैं कि स्कूल ने आखिरकार ये फैसला क्यों लिया। तो आपको बता दें, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस पहल के जरिए जेंडर इक्वलिटी लेकर आना चाहता है। अभी लड़के और लड़कियां अलग अलग कपड़े पहनते हैं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। लड़कियों को अपने ड्रेस कोड के चलते चलने फिरने, दौड़ने भागने और काम करने में परेशानी होती है। साथ ही ये जेंडर इनइक्वलिटी को डिनोट करता है। दुनिया भर में जेंडर इक्वलिटी के लिए कई तरह के प्रयास हो रहे हैं, जैसे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स। लड़के और लड़कियों के लिए एक ही टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जेंडर सेंसिटिव सिलेबस के जरिए स्कूल और कॉलेज सिलेबस को मॉडिफाई कर उसे जेंडर सेंसिटिव बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ स्कूलों में पीरियड बॉक्स रखे जा रहे हैं, ताकि पीरियड्स के वक्त इसमें रखे सैनिटरी पैड और नैपकिन का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि ये यूनिफॉर्म अभी केरल के सिर्फ एक ही स्कूल में लागू किया गया है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवाकुट्टी ने भी इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जेंडर इनइक्वलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस तरह के प्रयासों की और जरूरत है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल की जरूरत क्यों है, इस बात पर भी अब हमें चर्चा करनी होगी। राज्य सरकार यूनिसेक्स यूनिफॉर्म का पूरा सपोर्ट करती है, जो जेंडर इनइक्वलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।